सोनिया। सोनिया, पहले शूट कर ले। ओके। या कम ऑन स्माइल। Lovely, lovely Sonia, beautiful. I didn't know. शायद वहाँ कोई है। कोई भी तो नहीं है। चलो, डॉट ले। Yeah, beautiful. Yes. आर्यन देखो ना, कोई तो है वहाँ पर। Are you serious? Yeah. कोई नहीं है। Can we shoot? Yeah. Okay. ये फैन किसने चलाया? किसी ने नहीं सर। म्यूजिक ऑफ। सब लोग 10 मिनट का ब्रेक लो। आर्यन, ये तो ब्लड है ना? ब्लड नहीं। I believe वो ब्लोअर चला था तो उसकी वजह से तुम्हारा जूस का ग्लास गिर गया। Sonia, this is amazing. What? What is it? Your cover. Huh? Oh yes! I didn't believe this, Arjun. You know what? इस cover पे तुम्हारी picture का मतलब है. You are the top model of the country now. I am so happy. Thank you, baby. This calls for a celebration now. Guys, where are you? Everybody, clap for Sonia, yaar. Celebration. Champagne. Thank you. Congratulations. मेरी वाइफ सोनिया और इंडिया की टॉप मॉडल के लिए। अरे मेरा हाथ जल रहा है, प्लीज डॉक्टर को बुलाओ ना। अरे मेरी बांधी, ये क्या हो रहा है? चिल्लाई को क्या हो रहा है? अरे बहुत जल रहा है। प्लीज डॉक्टर को बुलाओ। कोई डॉक्टर को बुलाओ। कोई साथ नहीं। अरे तुम्हें कोई आवाज नहीं आई? अरे कोई है यहाँ पे? सोनिया कोई आवाज नहीं आ रही है। प्लीज रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अरे वो देखो वो देखो कोई जा रहा है। सोनिया कोई नहीं यहाँ पे। अरे कोई है देखो ना। देखो सोनिया कोई नहीं है वहाँ पे। कोई है। सोनिया सोनिया सोनिया। मैं भी तुम्हारी जैसी बनना चाहती हूँ। मैं भी तुम्हारी जैसी बनना चाहती हूँ। Aryan. Sonia, it's me. कैसी हो तुम? बेटा, आर्यन, कल जो कुछ भी हुआ, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा। Actually, गलती मेरी है। मुझे वो शैंपेन की बोतल खोलनी ही नहीं चाहिए थी। पता नहीं क्या था उसमें। देखो ना, क्या हो गया? आर्यन, बात वो नहीं है। पर वो आवाजें मैं भी तुम्हारी जैसी बनना चाहती हूँ। सोनिया, सोनिया वहाँ कोई आवाजें नहीं थी। सब कुछ इतना अचानक से हुआ ना, तुम सहम गई हो। तुम्हारा वहम है ये। I hope so। पर आर्यन मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना यहाँ पे। तुम एक काम करो, आज आराम करो। एक्चुअली मेरा जाना जरूरी है। वो मॉडल की डेट 1 महीने तक मिलेगी नहीं, तो अदरवाइज मैं कैंसिल कर देता। नहीं, दैट्स ओके। एक्चुअली मैं भी अपनी शूट कैंसिल नहीं कर सकती। हम लोगों ने बहुत एक्सपेंसिव रिसोर्ट बुक कराया है, खासकर इस शूट के लिए। और वैसे भी घर रहूंगी तो पता नहीं दिमाग में क्या क्या हो। You're absolutely right, baby. You get ready, okay? मैं वहां जाके तुम्हें कॉल करता हूँ, okay? आर्यन, love you. Love you too. चल बेबी, gotta go. Take care. Bye. Bye. Hello? हेलो, सोनिया कहाँ हो? इतनी देर से फोन नहीं उठा रही। Are you okay? मैं ठीक हूँ। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे फोन करना। या बेबी, I'm all fine। मैं एक्चुअली अभी निकली रही थी शूट के लिए, तो क्या I'm fine। All right baby, love you, bye। Yeah. आर्यन, तुम इतने अपसेट क्यों लग रहे हो? हाँ वो मुझे लगा थोड़ी देर के लिए शायद घर जाना होगा। No ways। आज सिर्फ तुम और मैं, और हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैडम जी, ये आपके लिए। किसने दिया? ये आर्यन सर ने भेजे आपके लिए। ओह हाँ, Thank you. See you. Just a second. जरूरी है. Hello. आर्यन, आर्यन, मैं रिजॉर्ट पे हूँ. Please जल्दी आओ. जल्दी आके मुझे ले जाओ आर्यन. मेरी गाड़ी. मेरे सारा सामान जल्दी. क्या? आर्यन, वो वापस आ गई आर्यन. वो मुझे मार डालेंगे. सोनिया कौन वापस आ गई है? हेलो. 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 आर्यन. सोनिया मैम क्या हुआ? ये आपके लिए. भी मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ रूम नंबर 343 में. आर्यन, आर्यन रिसॉर्ट में ही है. उसने मुझे बताया क्यों नहीं? आर्यन, 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 ये क्या हो रहा है? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए माँ. मैंने कुछ नहीं किया माँ. सर बहुत कम है ये तो. अरे यार कम है का क्या मतलब है? पूरी शूटिंग कैंसिल हो गई है. प्रोड्यूसर साहब का कितना नुकसान हुआ पता है ना. बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, वो मुझे मार डालेगी। क्या हुआ मैम? वो मार डालेगी, गाड़ी वो मुझे मार डालेगी। गाड़ी अभी आ रही है, वो मुझे मार देगी, मुझे घर जाना है। गाड़ी आ रही है। वो हेयर ड्रेसर। अरे वो तो आपके साथ थी। नहीं, उसने मुझे एक नोट दिया कि आर्यन मुझे रूम नंबर 343 में बुला रहा है। मैडम आपको कोई गलत फहमी हुई है, यहाँ पे कोई 343 रूम है ही नहीं मैडम। सही कह रहा है, इस रिसोर्ट में कोई थर्ड फ्लोर तो है ही नहीं। तुम पागल हो गए हो? मैं गई थी, मैं 343 में गई थी। कूल डाउन। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से। मैं जा रही हूँ, एक मिनट मैम। कोई नहीं, यहाँ पे कोई नहीं। लगता है पैनिक अटैक आया है। और ये इतनी सारी चोटें इन्हें कहाँ से लगी? ये कोई मामूली चोटें नहीं है। पता नहीं डॉक्टर साहब, जब से यहाँ पे आई हैं बहुत ही अजीब सी हरकतें हो रही इनके साथ, और बहुत अजीब बातें भी कह रही हैं। कोई आत्मा इनके पीछे पड़ी है। What nonsense you are talking about? आज के वक्त में आप ऐसी बातें करते हैं। आपने इनके घर में किसी को इन्फॉर्म किया है या नहीं? जी हाँ, कर दिया है। मैम प्लीज अपना ऑटोग्राफ दीजिए ना। थैंक यू मैम, थैंक यू। सोनिया, सोनिया प्लीज मुझे बचा लो। वो यही कही है। अरे वो मुझे मार। सोनिया क्या हुआ तुम्हें? कौन मार देगी तुम्हें? ये देखो, ये देखो। क्या है सोनिया, कुछ भी तो नहीं है। नहीं अरे उसने अभी अपना नाम लिखा था। सोनिया ये सब तुम्हारा वहम है बस। मेरा वहम नहीं है। ये देखो ये क्या किया है। ये वो मुझे मार देगी। कौन मार देगी तुम्हें? स्टेला मैम। स्टेला? सोनिया क्या मजाक है? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। स्टेला मैम वो यही गई है। वो मार देगी, मार देगी। लकी हूं मैं, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की आज मेरे साथ है। वेल सब शॉर्ट रेडी है मैम। चले मैम, नहीं स्टेला कहो। नो वेज मैम, आप इतनी सक्सेसफुल और फेमस है कि आपको तो नाम से कोई नहीं बुला सकता। आपकी सबसे बड़ी फैन भी नहीं। सीरियसली मैम, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। और एक दिन मैं आपके जैसी बनना चाहती हूँ। मैं कभी उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। वो तो मेरी फेवरेट थी, मेरी आइडल, मेरी इंस्पिरेशन। रात याद है जब फोटोशूट के दौरान उन्होंने हमें साथ देखा था? Hey Stella. हाथ मत लगाओ मुझे। मैं जानती हूँ तुम्हारी नजर सोनिया पर है। तुम सुधर जाओ। मैं तुम्हें कब से ये सब करते हुए देखते आ रही हूँ। Stella बेबी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें गलतफहमी हो रही है। Don't touch me. मैं सब जानती हूँ तुम्हारी लाइफ में कितनी लड़कियाँ हैं। और अब ये सोनिया। सोनिया मेरी असिस्टेंट है। सोनिया अच्छी लड़की है, समझे तुम? तुम्हारी तरह नहीं है वो। फिर उनकी तबीयत खराब हो गई थी। मैम, मैम दवाई ले लीजिए। बैठे बैठे आँख लग गई थी, सर में बहुत दर्द है। आप दवाई ले लीजिए। नहीं, मुझे दवाई नहीं लेनी। मैम आप दवाई लेंगी तो आपके सारे दर्द ठीक हो जाएंगे। लीजिए। सोनिया। जी मैम। एक बात बताओ, तुम और आर्यन। नहीं मैम, आप जैसा सोच रही है वैसी कोई बात नहीं है। एटलीस्ट मेरी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है। मैम मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और एक दिन आपकी जैसी बनना चाहती हूँ। तुम भी ना सोनिया। मैम क्या किया? मैम ये तुमने मुझे क्या पिला दिया? मैम, मैम तुमने फ्रेंड के लिए और मेरे बॉयफ्रेंड के लिए तुमने ये क्या किया? मैम आप गलत समझ रही हैं मैम। चला। मैम चला। क्या हुआ इसे? उस दिन मुझसे जो कुछ भी गलती हुई ना, शायद स्टेला मैम उसी के लिए मुझसे बदला लेना चाहती है। सोनिया होश में आओ। स्टेला की मौत एक एक्सीडेंट है। मेडिसिन रिएक्शन की वजह से उसकी मौत हुई है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं उस गिल के साथ नहीं जी सकती। बस अब और नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मैं पुलिस के पास जाऊंगी और मैं सरेंडर कर दूंगी। पागल तो नहीं हो गया? नहीं आर्यन, ये काम ना मुझे पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन तुमने रोक दिया। लेकिन अब नहीं, मैं जाऊंगी और मैं सरेंडर कर दूंगी। अपने इमोशंस को कंट्रोल में करो। अगर तुम पुलिस के पास गई तो वो लोग समझेंगे कि तुमने पहले झूठ बोला था और तुम ही मर्डर हो। जो करना है करे, केस खोले, इन्वेस्टिगेट करे, और अगर उन्हें लगता है ना कि गलती मेरी थी तो ठीक है, मुझे सजा भी दे दे। लेकिन शायद स्टेला मैम ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि वो इंसाफ चाहती है। मैं नहीं रुकूंगी। मैं जा रही हूँ पुलिस के पास। तुम कहीं नहीं जा सकती, वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा जैसे मैंने स्टेला को मारा था। स्टेला मैम ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि वो इंसाफ चाहती है। मैं नहीं रुकूंगी। मैं जा रही हूँ पुलिस के पास। तुम कहीं नहीं जा सकती, वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा जैसे मैंने स्टेला को मारा था। क्या स्टेला मैम को तुमने मारा? और मैं हमेशा ये सोचती रही कि मैंने। हाँ, स्टेला की मेडिसिन्स मैंने ही बदली थी। तुम सोचती रही कि तुमने उसे मारा। पर क्यों? वो तो तुमसे बहुत प्यार करती थी। प्यार? वो मुझे बदलना चाहती थी। एक ऐसे इंसान में जिसे वो प्यार कर सके। अगर तुम नहीं सुधरे ना तो मैं तुम्हारा करियर, लाइफ सब कुछ खत्म कर दूंगी। तुम ये जो आज बहुत कैसनोवा बन के घूम रहे हो ना, ये सब मेरे पैसे से उड़ रहे हो तुम। ये मत भूलो। इससे पहले कि वो मुझे बदलती, मेरा करियर बर्बाद करती, मैंने उसे मार दिया। स्टेला को लगा कि तुमने उसे मार दिया। तुम्हारा दिमागी संतुलन खराब हो चुका है। तुम खुद को हार्म करने लग गई हो। सोनिया, डोंट वरी, तुम्हें हम डॉक्टर के पास ले जाएंगे, लेकिन तुम पुलिस स्टेशन नहीं जा रही, ओके? गई स्टेला, मर गई स्टेला। प्लीज मुझे मुझे माफ कर दो। स्टेला प्लीज मुझे माफ कर दो। मैम, रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब सब ठीक हो जाएगा।